ऐसा क्या है कि रेस्टोरेंट्स में ये जो नमक साइड में ऐसे रखे जाते हैं ना, ये आपकी मौत को दावत दे रहे हैं। और ये जो आप पैकेट्स में जूस देखते हो ना, इनका सच जानने के बाद आप इनको देखने की भी हिम्मत नहीं करोगे। भाई वीडियो को 3 गिने तक लाइक कर दो, 1, 2, 3 कर दिया तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, प्रोसेस्ड एंड फ्रोजन मीट। ये जमा हुआ मीट आपने मॉल्स में देखा होगा। आज मार्केट में बहुत सारा प्रोसेस्ड मीट आपको मार्केट में मिलता है, जैसे कि कबाब, फिश और भी बहुत कुछ, जिन्हें आप कुछ ही देर में फ्राई या गर्म करके डायरेक्ट खा सकते हो। इसी तरह ये फूड वापस आपको डायरेक्ट खाता है। ऐसे फूड्स में सोडियम, सैचुरेटेड फैट्स और प्रिजर्वेटिव्स बहुत डाले जाते हैं, जिनसे इनका एक फ्लेवर लंबे टाइम तक बरकरार रहता है। और यही चीजें हमें इतना ज्यादा नुकसान देती है कि जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। इसलिए इन फूड्स की जगह आप फ्रेश मीट खरीदें या फिर आप प्रोटीन बेस्ड फूड भी खा सकते हो। नंबर 2, नेक्स्ट इस लिस्ट में जो चीज है वो इतनी खतरनाक है कि मानो आप डायरेक्ट जहर ही खा रहे हो, लेकिन फिर भी इस चीज की 200 करोड़ से भी ज्यादा सर्विंग की जाती है, वो भी हर दिन। इसे हम कोल्ड ड्रिंक के नाम से जानते हैं, क्योंकि दिखने में तो ये बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये है बहुत खतरनाक, क्योंकि इन ड्रिंक्स में चीनी के अलावा और कुछ नहीं होता। और ये चीनी आपको गिफ्ट के तौर पर मोटापा, डाइजेशन प्रॉब्लम और काफी प्रॉब्लम देती है, लेकिन गर्मी में इसे थोड़ी ठंडक भी मिल जाती है, राइट। लेकिन इसकी जगह पर आप फ्रेश फ्रूट जूस पी सकते हो स्पार्कलिंग वाटर के साथ, जो आपको और हेल्दी बनाने में हेल्प करेगा। नंबर 3, KFC, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर, ये सब चीजें खाने में मजा ही अलग आता है, लेकिन आपकी सेहत में कोई फायदा नहीं कर रही, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारी बॉडी के लिए ऑयल कितना अनहेल्दी है। इसे ब्रेक करने में बहुत मुश्किल होती है, और जब ये एक्स्ट्रा डीप फ्राइड चीजें अपनी बॉडी के अंदर जाते हैं, तब बॉडी के तो पसीने छूट जाते हैं, और इन सब रीजंस की वजह से बॉडी में फैट जमा होता है, लेजीनेस और हार्ट डिजीज भी हमें होने लगते हैं। लेकिन फिर आप सोच रहे होंगे कि आगे कभी मन करे तो खा सकते हैं क्या, तो इसके लिए आप एयर फ्राइड जैसे अल्टरनेटिव की तरफ जा सकते हो, जिसमें ऑयल काफी कम यूज होता है और उसका प्रोसेस भी डीप फ्राइड से बिल्कुल अलग है। साथ ही जिन बर्गर्स को हम हेल्दी समझते हैं, उनमें भी तरह तरह के सॉसेज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से बना बन और फ्राइड मीट पैटी मिलती है, जो देखने में तो हरा भरा लगता है, लेकिन असल में ये देता नुकसान है। नंबर 4, नूडल्स। ये नूडल्स सिर्फ टेस्ट ही नहीं देते, बल्कि ये आपको ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां दे सकती हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत सोडियम पाया जाता है, और जो इन नूडल्स के अंदर मसाला आता है, उनमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव और आर्टिफिशियल फ्लेवर डले होते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए हमें इन इंस्टेंट नूडल्स से दूर ही रहना चाहिए। नंबर 5, आइसक्रीम्स। ये चीजों में शुगर बहुत डाली जाती है, इतना ही नहीं अनहेल्दी फैट्स और एक्स्ट्रा कैलोरीज भी होती है। हालांकि आइसक्रीम कभी कभी खाना तो ठीक है, लेकिन इसकी आदत रोज डालने से मोटापा और अलग अलग बीमारियां हो सकती है। लेकिन अब मार्केट में काफी हेल्दी ऑप्शंस भी अवेलेबल है, जिन्हें आप इजीली खा सकते हो, जिनमें कोई शुगर या हार्मफुल चीजें नहीं होती, बस उनका प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है। वैसे आपकी आइसक्रीम का सबसे फेवरेट फ्लेवर कौन सा है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, मैं सब कमेंट्स देखता हूँ। नंबर 6, मूवीज और पॉपकॉर्न का शायद करण अर्जुन से भी ज्यादा पुराना रिश्ता है, क्योंकि जब भी मूवीज की बात होती है तो स्नैक की जगह पर हमेशा पॉपकॉर्न ही दिमाग में आता है। इसलिए बहुत सारे लोग एडवांस में माइक्रोवेव रेडी पॉपकॉर्न रखते हैं, जिसे हीट करने पर वो पॉपकॉर्न बन जाती है। हालांकि ये तरीका बहुत आसान और सिंपल है, लेकिन हर चीज की कोई कीमत होती है, और ऐसी जल्दी की चीज की कीमत मेनली आपकी हेल्थ की होती है। और पॉपकॉर्न को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए इसमें काफी केमिकल भी मिलाए जाते हैं, जैसे परफ्लोर ऑक्टेनिक एसिड, जो हीट होने के बाद आपको कई सारे हेल्थ रिस्क दे सकता है। नंबर 7, कंपनी ऐसा दिखाती है पैकेट फ्रूट जूसेस पीने से आपका डेली फ्रूट रिक्वायरमेंट जो होता है वो पूरा हो जाएगा, लेकिन असल में इनमें आपको क्या मिलता है, मेनली पानी और चीनी। जबकि जिन चीजों का प्रॉमिस किया जाता है, जैसे फाइबर और न्यूट्रिएंट्स जो होल फ्रूट्स में पाए जाते हैं, वो इनमें कुछ नहीं होता। इसलिए डेली इन जूसेस को पीने से वेट गेन और शुगर की बीमारी होती है। नंबर 8, क्या आप जानते हो एनर्जी ड्रिंक्स इतना अच्छा टेस्ट क्यों करती है, क्योंकि इनमें बहुत सारे शुगर और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डाले जाते हैं, जिनकी वजह से ये इतना अच्छा टेस्ट करते हैं। लेकिन बहुत सारी कंपनीज ये तक डिस्क्लोज नहीं करती कि इनमें कौन से आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डाले गए, मतलब आपके ब्लूबेरी फ्लेवर के लिए कौन सा केमिकल डाला गया है, ये कोई भी कंपनी डिस्क्लोज नहीं करती। नंबर 9, हम सभी को अगर थोड़ा भी नमक कम लगता है तो हम खाने के ऊपर थोड़ा नमक डाल लेते हैं, और किसी में अगर ये आदत बहुत ज्यादा है तो खाना कैसा भी हो वो थोड़ा नमक तो जरूर ऊपर डालेगा। हालांकि थोड़ा नमक तो ठीक है, लेकिन हमें हिमालयन साल्ट या फिर सॉल्ट सी का यूज करना चाहिए टेबल सॉल्ट की जगह, क्योंकि इसे चमचमाता सफेद बनाने के लिए ब्लीच किया जाता है, जिसकी वजह से नेचुरल मिनरल खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये सोडियम में काफी ज्यादा होता है। नंबर 10, आखिर आपके नजरों में कौन सा कोक ज्यादा हेल्दी है, नॉर्मल कोक या डाइट कोक? आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे डाइट कोक अच्छी है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इनके अंदर के फ्लेवर्स काफी हेल्थ रिस्क के साथ आते हैं, जो कैंसर तक की वजह बन सकते हैं। इसलिए डाइट सोडा के नाम पर बिकने वाली चीजों से आपको दूर ही रहना चाहिए, और डाइट कोक भी
आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, इससे आपका कोई भी वेट लॉस नहीं होगा। हालांकि अभी इसे कंफर्म करने के लिए उतनी स्टडीज नहीं है, लेकिन मोस्टली डाइट सोडा के आर्टिफिशियल फ्लेवर्स आपके हेल्थ के लिए डेंजरस होते हैं, इसलिए बेहतर है आप इन्हें अवॉइड ही करें। आपने इतना सब कुछ तो जान लिया, पर क्या आपको ये पता था कि कैसे वैक्यूम क्लीनर आपके आने वाली 3 पीढ़ियों की भी लाइफ सेट कर सकता है? इस पिलो को इतना अच्छा और कंफर्टेबल बनाने के बाद भी इसमें ऐसा क्या डला हुआ है कि इसमें आपको कभी नींद ही नहीं आने वाली? सच में इसमें ऐसा क्या है, इस वीडियो में पता चलेगा। तो इस वीडियो को अभी दबाओ यार, और हाँ, ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।